नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था ने कोरोना जैसी महामारी के चलते अपने सीमित पदाधिकारियों एवं विप्र बंधुओं के साथ मास्क पहनकर एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 251 दीप प्रज्वलित कर सामान्य रूप से मनाया भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित मेवालाल शास्त्री जी के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ उन सभी बंधुओं की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया गया जो कोरोना जैसी महामारी के चलते अपने परिवार मित्रों और इस संसार को छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपना स्थान बना चुके हैं। इसके उपरांत माँ रेणुका सेवा भारती की महिलाओं द्वारा भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ ही क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण श्री रवि शरण शुक्ला जी द्वारा महानगर कार्यालय पर भगवान परशुराम जी का 3 मीटर लंबा ध्वजारोहण भी किया गया। दीप प्रज्वलित महानगर अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी के द्वारा किया गया और महानगर उपाध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम में सम्मिलित आए हुए सभी विप्र बंधुओं द्वारा महानगर कार्यालय ब्राह्मण धर्मशाला को 251 दीप प्रज्वलित कर एवं इलेक्ट्रिक झालरों से जगमगाया गया। कार्यक्रम के अंत में महासंस्था की युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा भगवान परशुराम जी की महाआरती भी की गई। छावनी परिषद सभा प्रभारी मुकेश शर्मा, छावनी परिषद प्रभारी अशोक शर्मा और छावनी परिषद अध्यक्ष प्रमोद पांडे और छावनी परिषद उपाध्यक्ष श्याम भारद्वाज ने महासंस्था एवं समस्त विप्र बंधुओं से भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव पर भी कम 5 दीपक प्रज्वलित कर मनाने का आग्रह भी किया। प्रसाद वितरण छावनी विधानसभा उपाध्यक्ष ललित पाराशर, जितेंद्र शर्मा, सचिव राहुल शर्मा, अमन दुबे, राहुल दुबे, रोहित दुबे, अंशुल शुक्ला, शुभ शुक्ला, मीना दुबे, दीपक शर्मा, अंशिका शुक्ला, दिव्या पांडे, मीनू शुक्ला, निर्मला शुक्ला की देखरेख में किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से अनिल शुक्ला, विशाल तिवारी, राजेंद्र भारद्वाज, महानगर प्रभारी रमेश पाठक, प्रवक्ता केपी शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा, सचिव जितेंद्र शुक्ला, जयदीप शर्मा, राजीव शर्मा, महासचिव सत्यनारायण शर्मा, मीडिया प्रभारी गिर्रा शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील दत्त, उपाध्याय एवं कार्यकारिणी सतत हरिशंकर शर्मा, उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष रविकांत शर्मा, दक्षिणी विधान अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष प्रभात तिवारी, लाइफ पैथोलॉजी के मालिक मनोज दीक्षित भी उपस्थित रहे और इन सभी ने भगवान परशुराम का धूमधाम से जयंती मनाई। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी आगरा के साथ साथ हर छोटी बड़ी हर जगह की हर खबर को जो कि आप सब तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जोप सिंह सक्सेना, आगरा। मैं महानगर उपाध्यक्ष मनोज पांडे, साथ में मौजूद है महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी और हमारी युवा टीम पूरी खड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था की ओर से भगवान परशुराम जयंती का एक छोटा कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम पहले बहुत बड़े स्तर पर होना था, इसमें झांकियाँ निकलनी थी, बैंड बाजों के साथ में ऋषि मुनियों के साथ बच्चे निकलने थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से और बहुत से हमारे विप्र बंधु, हमारे ब्राह्मण बंधु जो हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को इस संसार को छोड़कर भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान बना चुके हैं, उन सबकी शांति के, आत्मा की शांति के लिए सबसे पहले पंडित मेवालाल शास्त्री जी हमारे संगठन के सदस्य हैं, उन्होंने शांति पाठ किया। उसके उपरांत माल्यार्पण महिला प्रकोष्ठ की माताओं बहनों ने किया। उसके उपरांत आदरणीय राजेश शुक्ला जी एवं महानगर के पदाधिकारियों ने दीप भगवान परशुराम के साथ दीप प्रज्वलित करके आज जयंती को मनाया और भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हैं हम कि प्रभु आने वाला समय बहुत सुंदर हो, अच्छा हो और जो महामारी इस समय चल रही है इस सबसे हमको निजात दिलाए। इसी के साथ भगवान परशुराम जी की आज आपको भली भांति बताया है कि आज भगवान परशुराम की जन्म उत्सव का प्रोग्राम था। कुछ कारणों की वजह से इस प्रोग्राम को बड़ा छोटे दायरे में किया गया है, जैसे कोरोना को देखते हुए, इसलिए हम लोग भगवान परशुराम से उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय
बहुत अच्छा हो हमारे लिए और सारे संसार का उद्धार करें और महामारी बीमारी से हमें मुक्ति दिलाएं। इतना ही है भगवान परशुराम भगवान की जय। जय परशुराम भगवान की जय। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे परशुराम भगवान कृष्ण अवतार के छठवें अवतार थे, 24 अवतारों में से एक थे और हमारे वो वंशज थे। हम ब्राह्मण समाज उनकी पूजा करता है। आज मौसम खराब होने के कारण आज प्रोग्राम अच्छी तरह से मिल पाया जी। आगे जो अगले साल आएगा आने वाला साल उसमें हम लोग बड़े धूमधाम से कार्यक्रम को मनाएंगे। शिवराज जी के मर्म तक लोग मिलते हैं। धन्यवाद।